Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुबिन गोस फिर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम इस वाली पतंग को उड़ाने लग रहे हैं और ये एक मैजिक काइट है. एक नहीं, दो मैजिक काइट है. दोनों को एक के बाद एक उड़ाएंगे और ये बहुत ही मस्त है उड़ने में. फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि ये आसमान में जब पहुँच जाएगी दोनों पतंगे, तो वहाँ पर जा करके कुछ वो मैजिक दिखाएंगे, कुछ कमाल, कुछ ट्रिक दिखाएंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको फटाफट उड़ाते हैं, फिर उड़ा करके जो है हम आपको इसको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे और बाद में पूछेंगे. तो पहले इसको उड़ाते हैं. एक पतंग रख देते हैं और एक उड़ाते हैं. एक को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और इसको हमने रख दिया और इसको उड़ाएंगे. फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वाले को उड़ाने जा रहे हैं और ये पतंग जो है बहुत ही मस्त है. और आप इसको देखिए, इधर से भी देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है दोनों तरफ से, है ना. और इसमें जो कन्ना बांधा गया है, ये मीडियम कन्ना बांधा है, आप देख लीजिए, यहाँ तक कन्ना बांधा है. थोड़ा सा इसमें झप मोड़ देता हूँ और हल्का सा झप मोड़ दिया मैंने और बहुत ही मस्त है फ्रेंड्स ये पतंग. अब उड़ा करके बहुत मज़ा आने वाला है. तो हम लोग चलिए फटाफट इसको उड़ाते हैं, उड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं कि उड़ता कैसा है ये. वाह, ये तो डगर डगर करके उड़ रहा है और बहुत बड़ी पूंछ है इसकी. फ्रेंड्स, इसको हम लोग कुछ दूर तक उड़ा करके और यहाँ पे बात देंगे, ये अपने आप उड़ता रहेगा, फिर इसके बाद दूसरे वाले को भी उड़ाएंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम लोग यहाँ पे बांध देते हैं. और ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया और मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये बांधते हुए दिखाएं आप. ये देखिए फ्रेंड्स, ये बंध गया और अब हम दूसरी वाली को उड़ाएंगे. ये अपने आप उड़ता रहेगा डगर डगर करके. और अब इस वाले को उड़ाएंगे फ्रेंड्स हम लोग. इसकी भी पूंछ बहुत बड़ी है. और फ्रेंड्स, दोनों पतंग एक जैसे दिखने में हैं, मैं आपको बता दूं. और अभी आप ये वाली भी पतंग देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसा वो है वैसा ये है. ये भी एक मैजिक काइट है और मैजिक काइट दोनों ही एक जैसे दिखने में है. और इसकी भी पूंछ बहुत लंबी है फ्रेंड्स. मैं आपको बता दूं कि इसकी पूंछ जो है, जितनी बड़ी उसकी पूंछ है उतनी बड़ी इसकी भी पूंछ है. काफ़ी बड़ी पूंछ है, आप देख सकते हैं वो उड़ रही है ऑलरेडी आसमान में. तो अब इसको हम लोग फ्रेंड्स उड़ाते हैं. इसमें भी थोड़ा सा झप मोड़ देते हैं. ये देखिए, मैंने इसको झप मोड़ दिया थोड़ा सा और अब इसको भी उड़ा देंगे हम लोग. ये देखिए, ये भी उड़ करके चला गया फ्रेंड्स. अब दोनों ही उड़ रहे हैं आसमान में, आप देख सकते हैं. और बहुत ही मस्त उड़ रही है फ्रेंड्स. अभी ये क्या मैजिक दिखाएगा, क्या ट्रिक दिखाएगा, ये आप लोगों ने देखना है और लगातार आप पतंग को देखते रहिए. तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और टकटकी लगा करके दोनों ही पतंगों को देखिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा कमाल होने वाला है. कमाल क्या होने वाला है वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा. और फ्रेंड्स, देखते रहिएगा, आपने कहीं भी अपनी नज़र इधर उधर नहीं हटाना और मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा. फ्रेंड्स, देखिए दोनों ही पतंग हमने उड़ा दी आसमान में और बहुत मस्त उड़ रही है. और आप लोग एक टकटकी लगा करके बिल्कुल देखना, क्योंकि कुछ अभी बहुत ज़बरदस्त कुछ होने वाला है. और क्या होने वाला है वो आप लोग देखते रहना लगातार पतंग को. दोनों ही पतंग में से एक पतंग में कुछ होगा और क्या होगा ये अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मस्त कुछ होने वाला है. और मैं कैमरामैन को बोलूँगा पूरा एकदम कैमरे से पूरा एकदम फोकस ठीक से रखे और आप लोग को दिखाता रहे लगातार. आप लोग देखते रहिएगा और बहुत ही मस्त वीडियो बनने वाला है. पूरा एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष जी, हाँ ही नाम है. अभी देखिए कितना मस्त उड़ रहा है फ्रेंड्स. और इसमें से अभी कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है पता नहीं, वो जब होगा तब आप लोगों को पता चलेगा. फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम आप लोग देखते रहिएगा और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि कैमरे को एकदम पूरा अच्छी तरह से फोकस करके दिखाए आप लोगों को. देखते रहिए फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है. और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए,
देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ होने वाला है, 1 2 3 वो देखिए फ्रेंड्स। और मेरा एक क्वेश्चन भी, आप लोग ठीक से देखिए उसमें से क्या निकल करके जा रहा है। आप लोग पूरा एकदम जो निकल करके जा रहा है उसको दिखाने के लिए मैं कैमरामैन को बोलूँगा, उसमें से कुछ निकल करके जा रहा है फ्रेंड्स। और ये जादूगर वाले काइट के अंदर से कुछ निकला है फ्रेंड्स, क्या चीज़ निकला है, माई गुडनेस, ये क्या चीज़ है। और देखिए कैसी झूमती हुई जा रही है और कितने पीसेज हैं ये, थोड़ा सा इधर से आकर के दिखाए तो बहुत क्लियर दिखेगा, सामने टंकी आ रही है। फ्रेंड्स अब हम लोग इस दोनों पतंगों को उतार लेंगे, अभी आपने जो देखा, और मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, तो पहले पतंग उतार लूँ मैं। और ये देखिए मैंने पतंग उतारना शुरू कर दिया, फ्रेंड्स एक एक करके दोनों ही पतंग को उतार लूँगा मैं। और ये देखिए अभी पहले इसको उतार रहा हूँ और फिर इसके बाद जो दूसरे वाले को भी उतार लूँगा, दोनों पतंग उतर जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली उतर गई, ये उतर गई, और अब दूसरे वाले को भी उतारूंगा मैं, दूसरी वाली भी जो उड़ रही है इसको भी उतारूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी उतर गई और दोनों ही पतंग उतर गई फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये बर्ड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं और वी बना करके चल रहे हैं। और ये जो हैं रशियन बर्ड्स हैं, और ये हर साल विंटर के दिनों में, विंटर शुरू होते ही जो है ये रशिया से इंडिया आ जाता है और एक वी बना करके चलता है। इनमें एक इनका लीडर होता है जो कैप्टन होता है, वो सबसे आगे उड़ता है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, और बाकी सारे के सारे जो है उसके पीछे उड़ते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है उड़ते हुए। फ्रेंड्स हमने ये दोनों पतंगें उतार ली, फटाफट उतार ली, क्योंकि आसमान में कई सारी पतंगें उड़ रही हैं और ये पतंग सदी से उड़ रही थी, कोई ना कोई काट देता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये दोनों ही पतंग बहुत मस्त है और एकदम एक जैसी दिखने में है, आप देख सकते हैं इधर से भी और इधर से भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ये है कि इन दोनों पतंगों में से एक पतंग से कई सारी पतंगें जो है निकल करके आसमान में बह गई और आसमान में बिखर गई, वो कुल कितनी पतंगें थी जो इन पतंग में से निकल करके आसमान में बिखर गई, उनकी टोटल नंबर्स ऑफ क्या थे ये बताना है, मेरा क्वेश्चन ये है आज का। और मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे 90,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से सबसे पहले सबसे फास्ट आकर के कौन आंसर देता है, और सबसे अच्छी आँखें, सबसे मतलब तंदुरुस्त आँखें किसकी है जो ये पकड़ करके बताएगा कि इन पतंग में से कितनी पतंगें निकल करके आसमान में बह गई। फ्रेंड्स जो आसमान में पतंग बह करके गई उनकी भी शेप बहुत ही डिफरेंट थी फ्रेंड्स, और आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर देखा होगा कि उन पतंगों की शेप बिल्कुल ही अलग थी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पतंगें थी और वो इसके बच्चे थे। और फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा, मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने का काम आपका है, और अच्छे अच्छे वीडियोस वगैरह बना करके अपलोडिंग करने का काम है मेरा है फ्रेंड्स। तो फिर बहुत जल्दी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।